तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी होली। तो गाइज, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जो पिक्सलैब एप्लीकेशन होता है वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है आप वही फॉन्ट सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप जो एक्स्ट्रा जो कस्टम फॉन्ट होता है वो आप कैसे पिक्सलैब ऐप में इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइज, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, कई बार भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हो सकता है आप थोड़ा बहुत मिस कर जाओ। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ गाइज, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको पिक्सलैब ऐप ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो फॉन्ट है वो फॉन्ट जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट और एक्स्ट्रा फॉन्ट कहाँ पर ऐड करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, तो ये सारा जो है पिक्सलैब का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, ठीक है। और यहाँ पर माय फॉन्ट करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई भी फॉन्ट नहीं है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर ये हम जो हमारा फॉन्ट है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हो रिसेंट जो फॉन्ट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो फॉन्ट रिसेंटली यूज़ करोगे वही फॉन्ट आपको यहाँ पर शो करेगा। तो गाइज, यहाँ पर जो माई फॉन्ट वाला जो ऑप्शन है जो खाली है, यहाँ पर हम जो हमारा फॉन्ट है उसको हम ऐड करेंगे। तो गाइज, कैसे ऐड करेंगे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो गाइज, सिंपली क्या करना होगा, आपके पास अगर कोई भी ब्राउज़र है, क्रोम हो या फिर आपके पास अगर सैमसंग ब्राउज़र, आप अगर सैमसंग सेट यूज़ करते हो या फिर आप कोई सा भी ब्राउज़र आप ओपन कर लो, उसके बाद आप गूगल को ओपन करो। गूगल को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सिंपली लिखो फॉन्ट डाउनलोड, ठीक है, फॉन्ट्स डाउनलोड। तो सिंपली फॉन्ट डाउनलोड करने के बाद आप सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप कोई भी एक वेबसाइट को चूज़ कर लो, वहाँ से आप सिंपली फॉन्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो, अनलिमिटेड फॉन्ट, ठीक है। तो गाइज, आप बहुत सारा फॉन्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आपकी जो पिक्सलैब ऐप है वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा फॉन्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइज, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली एक फॉन्ट आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर ये वाला जो फॉन्ट है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डाउनलोड दिखा रहा है और ये डाउनलोड भी हो गया है। तो गाइज, इसको मैं आपको पिक्सलैब ऐप में इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो गाइज, सिंपली आपका जो फाइल मैनेजर है उसको ओपन करो। अगर आपके पास अगर आपके फ़ोन में जिप फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं होता तो आप जो जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करने वाला जो एप्लीकेशन होता है प्ले स्टोर में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो गाइज, सिंपली आपका जो डाउनलोड हुआ है, आप सिंपली डाउनलोड में जाओ। डाउनलोड में जाने के बाद आप जो आपका जिप फाइल है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लो, अनजिप कर लो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर फॉन्ट का नाम है और .ttf लिखा हुआ है, ठीक है, ये है आपका फॉन्ट। इसको आप कॉपी करके, ठीक है, आप एक फाइल क्रिएट कर लो, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉन्ट, ठीक है, उसके बाद इसको क्रिएट कर देंगे। तो ये दिखा रहा है कि फॉन्ट फोल्डर नेम ऑलरेडी यूज्ड। तो गाइज, ये जो फोल्डर है ये यहाँ पर पहले से मैंने क्रिएट करके रखा है। तो सिंपली मैं वो जो फॉन्ट वाला जो फाइल है उसके अंदर हम इसको मूव कर देंगे। तो गाइज, ये जो है फॉन्ट वाला जो फाइल है हमारा वो यहाँ पर ये मूव हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको फॉन्ट जो पिक्सलैब ऐप है वह उसको हम ओपन करेंगे और आपको जो फॉन्ट वाला ऑप्शन है उसको हम ओपन करके आपको दिखाता है कि जो माय फॉन्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पर वो फॉन्ट ऐड हुआ कि नहीं। तो सिंपली मैं माय फॉन्ट के अंदर जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो फॉन्ट मैंने अभी फॉन्ट वाला फाइल में डाला वो फॉन्ट आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो गाइज, आप कोई भी एक टेक्स्ट आप यहाँ से लिख लो, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा टेकआउट, ठीक है, या फिर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं आपको इसका फॉन्ट चेंज करके दिखाता हूँ अभी। तो सिंपली मैं फॉन्ट के अंदर जाऊँगा और जो माय फॉन्ट वाला ऑप्शन है उसके अंदर जाऊँगा और इसको हम सिलेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपका डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से जो फॉन्ट आपको यूज़ नहीं करना आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और जो फॉन्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट है वो अप्लाई हो चुका है। तो गाइस, इसी तरीके से आपका जो फॉन्ट है आप यहाँ से पिक्सलैब ऐप में इंस्टॉल कर सकते हो और बहुत सारा वेबसाइट आपको मिल जाएगा। सिंपल आपको लिखना है गूगल में कि फॉन्ट डाउनलोड, ठीक है। आप सिंपली फॉन्ट डाउनलोड लिखोगे और आपका जो है फॉन्ट जितना भी वेबसाइट है आपके सामने शो हो जाएगा। आप कोई सा भी एक वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड करके फॉन्ट वाला जो फाइल होगा फाइल मैनेजर उसके अंदर आपको उसको मूव करके रखना है।
और याद रखना आपको जो इंटरनल मेमोरी है वही पर भी इसको रखना है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी में ही रखना है। अगर आप एसडी कार्ड में रखोगे तो ये काम नहीं करेगा, तो आपको इंटरनल मेमोरी में रखना है, तभी आपका जो है ये फॉन्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका पिक्सलर ऐप में काम करेगा। तो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। और गाइज यहाँ पर आपको दो आईडीज दिख रहे होगी, आप इस आईडी में जाकर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।